जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, बिल पास करवाया कैबिनेट बह के, बिल कराया पास करना कहो नो, ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? झूठ बोल रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला। ये कैबिनेट मंत्री सी उदो जो बिल पास होया, कैबिनेट के बिच बैठे सी। रद्द करो रद्द करो। मोदी जी तोमर के नाल बैठे सी, नाल बीएसपी, ये बिल पास करवाने वाले कैबिनेट मंत्री सी। जे सच्चा झूठा बोलो, तुसी ये बोलो सच्चा झूठा। कैबिनेट मंत्री बिल पास करा के इस्तीफा दिया, बिट्टू भाई इस्तीफा कर दिया, बिल पास करा के दिया, पहले दिया पहले दिया पहले दिया। दो महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे, दो महीने बड़े बादल साहब छोटे बादल साहब, आज कितने ने पांच दिन बादल साहब हो गए, अकाली दल के प्रधान ने ते गायब ने, गायब ने पांच दिन का पार्लियामेंट दसो कितने है? मेरी पहली स्पीच सी कैबिनेट मंत्री सी, विच वो भी कैबिनेट मंत्री बिल्कुल झूठ झूठ कैबिनेट मंत्री सी, विच पूरे ड्रामा कर दिया खड़े होके कैबिनेट मंत्री विरोधी सरकार, शर्म सब मेरा पर्दा फाश हो जाएगा। झूठ बोल के पूछो मंत्री सी जे नहीं, कैबिनेट सी जे नहीं है, पूरे ड्रामा कर दिया आके। ये तो मारने वाले हैं किसानों, ये तो बिल पास कराने वाले, पूरे ड्रामा कर दिया खड़े के पार्लियामेंट के बाहर। आप कहाँ सुखबीर बादल इनके प्रेसिडेंट, पूछो कहाँ है पार्टी, पांच दिन हो गए कहाँ इनके प्रधान, एक दिन भी प्रधान इन्ह दे पंजाब के, एक दिन भी थोड़े सुखबीर सिंह बादल पांच दिन हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। देखिए आप भी उस कवर कर रहे थे जब ये बिल पारित हुआ, और आपने भी देखा होगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी की सारी बेंचेस खाली थी। राहुल और सोनिया तो आए ही नहीं हाउस में, और ये बिट्टू शिट्टू सारे बाहर वॉकआउट करके सरकार की मदद इन्होंने जब करी, मैंने जाके अपना इस्तीफा सरकार के मुंह पे मारा। वापस आके हमारी पार्टी ने जब सारा हाउस खाली हो गया था, डट के दो एमपीज ने विरोध किया इस काले कानूनों के खिलाफ, और हमने अपना 35 साल पुराना गठबंधन भी तोड़ दिया। हकीकत यह है कि जो पंजाब के 5 एमपीज अपने 50 वाली पार्टी को ही किसान के मुद्दे में एक नहीं कर सकते, वो सरकार की मदद कर रहे हैं दूसरे तीसरे मुद्दे लाके। सो इस सारी चीजों को छुपाने के लिए, पंजाब में अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए आज इल्जाम उनके ऊपर लगा रहे हैं जिन्होंने किसानी के मुद्दों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है और किसान के साथ लड़ाई नहीं की। देखिए राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये तो कोई भी ड्रामा रच लेंगे। जो इंसान पार्लियामेंट के अंदर फोटो खिंचाता है कि मैंने रात गुजारी है, और 15 मिनट में फोटो खिंचा के बाहर, आप ही जानते कोई एमपी रहा है पार्लियामेंट के अंदर रात गुजारी इन्होंने फोटो खिंचा के चलते हुए बने, तो ये सिर्फ ड्रामा है। इसीलिए जब किसानों के पास जाते हैं लाठियों से इनकी पिटाई होती है, और वो पिटाई किसानों से पिटाई खा के इनका सिर का मनका लगता है, कुछ खिल गया है।